वाली और इसमें मिक्स करके दूसरे साइड से उठाया ऊपर और ये कट, ये देखो लेयर आ गई इसमें। अब सेकंड पार्ट, वही सेम प्रोसीजर, ऊपर उठाए और ये है गाइडलाइन, ये देखो दूसरी साइड सारे बालों को parts पूरे बाल आगे लेके जाना है और ये कितना लंबा है साइड से गाइडलाइन इसमें मिक्स कर लेना और थोड़े ऊपर उठा के थोड़ा ये सीधा कट, दूसरे साइड से ही वैसे करना है, गाइडलाइन लेके थोड़ा ऊपर उठा के ये
और काट दो। और थोड़ा आगे जाके आगे लेके जाना, ऊपर उठा के इतने बाल निकल के ये सीधा कट कर दो। पूरा चेक कर लो यू शेप आया कि नहीं आया, यू शेप में बाल काट लो। फिर देखो यू शेप में भी ऊपर उठा के बाल काटना है। ये देखो इनके बाल बहुत पतले हैं, एक बार चेक कर लेते। चेक करने के लिए बराबर बीच में से सीधा मांग निकालना ये, और एक साइड के ऊपर उठा लेना आगे और एक इंची। थोड़ा लंबा है, काट लेंगे। दूसरे साइड चेक करेंगे, दूसरे साइड से भी थोड़ा सा काट लेंगे। ये हो गया, लेके सेट करेंगे। अभी ड्रायर नहीं है तो हाथ से ही करेंगे, ऐसे सेट करेंगे। यहाँ पे जूड़ा बनाएंगे, साइड में फोल्ड करेंगे बाल पूरा अंदर पकड़ के रखेंगे। और इसे आप वो भी बांध के रख सकते हो, 2 घंटा मिनिमम ऐसे। अभी तो मैं निकाल देती हूँ,
तो इनके कर्ली हेयर है थोड़े अच्छे आ गए। इन तक आके दिखाती हूँ मैं, ये देखो पूरे ये आ गए स्टेप, अच्छे स्टेप आ गए इनके बालों में, कर्ली हेयर है इनके, ये देखो और बाल भी ज्यादा नहीं कटे, बिल्कुल ये इतने बाल कटे हैं इनके, ऐसे देखो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके बाय।